नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं लिमरा न्यूज और मैं हूँ ज़ेबा अली। रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले कांग्रेस आज रामलीला मैदान पर बीजेपी के खिलाफ महंगाई से लेकर बेरोजगारी और GST के मुद्दे पर घेरते हुए दिखेगी। रामलीला मैदान में रैली में कांग्रेस ने बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया है। साथ ही देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जा रही है। रैली से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र के NDA सरकार और PM मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त, प्रजा महंगाई से त्रस्त। आज लोगों को जरूरत का सामान खरीदने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। इन तकलीफ के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। हम महंगाई के खिलाफ आवाजें जोड़ते जाएंगे, राजा को सुनना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई मोदी सरकार के दो भाई हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया, बेरोजगारी और महंगाई मोदी सरकार के दो भाई जैसे हैं, उसके दो और भाई ED और CBI है। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक विपक्षी पार्टी कांग्रेस की 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें राहुल गांधी देश भर में यात्रा कर लोगों से मुलाकात करेंगे और देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर जोर देंगे और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम रहेगा, जहां पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर आम लोगों तक पहुंचेंगे। आज की खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए लिमरा न्यूज़।